इलाहाबाद शहर से 80 किलोमीटर दूर चितकूट जिले के मऊ थाना के अंतर्गत पोतनिया गांव की कला देवी रहती है। उनकी लड़की रचना देवी का अपहरण 15 तारीख की रात 1 बजे हो गया। कुछ लोग उसके घर के अंदर असलाह लेके कूदे और लड़की को उठा ले गए। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट किया? पुलिस में दरखास्त दिया, हमारी दरखास्त नहीं दर्द भाई गया। फिर हम गवाह इस पे फिर इस डीएम पास किया, इस डीएम दिया कागज लिख के थाने में दिया, थाने में फिर दिया, फिर नहीं दर्ज की। फिर कर भी से हुआ नहीं, इस भी नहीं मिला लग गया। फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से कागज बनाए यहाँ कहीं दिया थाने में, फिर थाने में दिए। छोटी सी चार दीवारी थी, उसके घर में अंदर घुसे और लड़की को जबरन हाथ पकड़ करके घसीटते हुए वो गुंडे लेके गए। लड़की की माँ के सामने उसकी लड़की को बेइज्जत करते हुए घसीटते हुए, और सुबह जब लड़की की माँ अपनी उस लड़की की इस घटना दुखद घटना को लेके मऊ यशो साहब के पास फरियाद लेके जाती है, तो उसको दुत्कार करके भगा दिया जाता है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती। और प्रशासन और पुलिस एकदम मौन है। हमने जब SP साहब से बात हुई, FIR नहीं लिखी गई, तो 20 तारीख को हम DIG इलाहाबाद से जाके मिले। DIG के आदेश पे 20 तारीख की शाम को 4 दिन के बाद FIR, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं, इस लड़ाई को अंतिम मंजिल तक ले जाएंगे, इस बात को हम बता देंगे। मैं पिछले करीब 10-12 सालों से लगातार जमुना के किनारे कलावती की लड़की तत्काल मिलनी चाहिए, जो कि 15 तारीख से उसका अपहरण कर लिया गया है, वो तत्काल उपलब्ध हो, इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। वहाँ के SDM को फ़ोन करके, जिनका फ़ोन नंबर है 9454-41-5960 पर। मैं अजीत बहादुर, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से, इंडिया अनहर्ड के लिए।